कहते हैं नए साल आए बन के उजाला, खुल जाए आपके किस्मत का ताला, हमेशा मेहरबान रहे आप पे ऊपर वाला, यही दुआ करता आपका पंकज चाहने वाला। तो दोस्तों आज 2020 आ गया है और 2020 में हम चाहते हैं कि हमारे देश में जितने भी 125 करोड़ लोग हैं, सभी लोगों के लिए एक नया साल जो है जो हम लोग मनाते हैं, नया साल जो उत्साह भरा जिंदगी होता है, हम चाहते हैं कि हर आदमी जिंदगी में आगे बढ़े। दोस्तों आज मैं एक बहुत ही सुंदर कहानी आपके सामने रख रहा हूं, आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखेंगे, इस कहानी को पूरा जरूर सुनेंगे, जिससे कि आपके जिंदगी में भी ट्रांसफॉर्म आएगी और आपके माध्यम से कईयों का जिंदगी में ट्रांसफॉर्म आ सकता है। दोस्तों एक लड़का था 24 साल का, गरीब था, सेठ के यहां काम करते थे, काम करके वापस घर आते थे और अपना खाना बनाते थे, खाते थे, सो जाते थे। एक दिन लड़का सेठ के यहां काम करने गया, काम करके आया, पांच चपाती बना के रखा, हाथ धोने गया, जब वापस आता है देखता है बचा चार। लड़का सोच रहा है यार मैं पांच बना के गया, चार बचा, चलो ठीक है खा लेता है, अपने भाग्य में जितना था उतना ही खाते हैं। दूसरे दिन फिर लड़के काम पे चले गए, फिर काम से वापिस आया, फिर लड़के ने पांच चपाती बनाई, वापिस आके देखता है फिर चार। लड़के को समझ में नहीं आ रहा, हो रहा है क्या मेरे साथ अत्याचार कि मैं बनाता हूँ पांच बचती है चार। एक दिन लड़का सोचा आज मैं नजर रखूंगा, लड़के ने पांच चपाती बनाई, साइड में खड़े होके नजर रख रहा है, देखता है एक चूहा उनका एक चपाती लेके जा रहा है, चूहे को पकड़ा, बोला यार क्या कर रहा है तू? बोला मैं अपने हिस्से की खा रहा, तुम मेरी किस्मत का क्यों ले रहे हो? चूहे ने ये जवाब लड़के से दिया। लड़के बोला देख मैं तो ऐसे ही जिंदगी से परेशान हूँ, मैं कमाता हूँ किसी तरह अपना खाता हूँ, यार तू मेरा चपाती क्यों लेके जा रहा है? चूहा बोला अगर तुम जिंदगी से परेशान हो तो मेरी सलाह मानो, एक इंसान है जो तुम्हारे जिंदगी का हर समस्या का जवाब दे सकता है। बोले कौन है बताओ? बोले तुम्हारे सारे सवाल का जवाब गौतम बुद्ध दे सकते हैं, भगवान गौतम बुद्ध दे सकते हैं। लड़के ने चूहे का बात माना और निकल पड़ा अपने दुख का पिटारा लेकर गौतम बुद्ध से सुनाने के लिए। जितने भी जिंदगी में समस्याएं था उसको लेकर चले गए गौतम बुद्ध से सवाल करने के लिए। लेकिन रास्ते में चलते 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 शाम हो गई, तभी सोचा कि अभी क्या करें, पहुंच नहीं पाए हैं। तो एक सेठ के यहां पर उन्होंने रुकने के लिए वहां पर अपना रिक्वेस्ट किया, क्या मैं रात यहां गुजार सकता हूं, मुझे गौतम बुद्ध से मिलने के लिए जाना है, अभी रात हो गई मैं सुबह निकल जाऊंगा। तो वहां पर एक सेठाइन थी, उन्होंने बोला ठीक है आप रात में रुक जाओ, लेकिन अगर गौतम बुद्ध से मिलने जा रहे हो तो मेरा भी एक सवाल का जवाब पूछ के आना। लड़के ने बोला बता दीजिए क्या सवाल है? बोली मेरी एक लड़की है 20 साल की, मेरी बेटी, आज तक बोल नहीं पाई है, तो आप भगवान गौतम बुद्ध से मेरा भी सवाल का जवाब लेके आना कि मेरी बेटी कब बोलेगी। लड़के ने बोला ठीक है। लड़के वहां से निकला सुबह के टाइम में, चलते चलते अब पहाड़ ऊंच नीच रास्ते थे, काफी दूर चले गए, देखा अभी भी बहुत सारे दूर बचे हुए हैं, पहुंचना है। तभी अचानक देखा एक और आदमी बैठा हुआ है वहां पर। उसने लड़के ने उस आदमी से पूछा कि भाई मुझे गौतम बुद्ध के पास जाना है, रास्ता बताओ, मैं तो देख रहा हूं बहुत बर्फीली पहाड़ है। तो आदमी बोला कार गौतम बुद्ध से मिलने जा रहे? बोला हाँ। बोला मैं भी चाह रहा हूं कि आप पहुंचो, लेकिन मेरा भी एक सवाल का जवाब अगर आप लेते आए तो बहुत अच्छा होगा, मैं 1000 वर्ष से यहीं पर बैठ के तपस्या कर रहा हूं कि मैं स्वर्ग चला जाऊं, लेकिन मैं स्वर्ग नहीं जा पाया हूं, तो आप मेरा सवाल का भी जवाब लेते आना कि मैं स्वर्ग कब जाऊं। और वो जादूगर थे, उन्होंने छड़ी घुमाई, लड़के को कई सारे पहाड़ पार कर दिए, तभी वहां पर फिर समतल जगह आ गया। लेकिन थोड़ा दूर और कुछ जाने के बाद फिर एक समस्या आई कि नदी था, अब वो नदी कैसे पार करें? सोचे अब नदी कैसे पार करें, तभी नजर पड़ा एक कछुआ वहां पर था। कछुआ को बोला भाई कछुए मुझे गौतम बुद्ध से मिलने जाना है, आप पार करा दो। कछुए ने बोला ठीक है आप बैठ जाओ मेरे पीठ पे, पीठ पे बैठ जाए। इतने में बात हो रहा था यार इधर कहां जा रहे हो नदी पार होके? बोला मुझे गौतम बुद्ध से मिलने जाना है। बोला आप गौतम बुद्ध से मिलने जा रहे हैं? बोले हाँ। बोले तब तो मेरी भी एक सवाल का जवाब लेते आना, मैं 5 साल से इसी नदी में तैर रहा हूँ और ड्रैगन बनने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन मैं आज तक ड्रैगन नहीं बन पाया हूँ, तो आप गौतम बुद्ध से पूछ लीजिएगा मेरा भी सवाल का जवाब कि मैं ड्रैगन कैसे बनूंगा और कब बनूंगा।
बोले ठीक है। तब लड़के वहां से निकल गए, कुछ ही दूर बचे थे, लड़के पहुंच गए गौतम बुद्ध का आश्रम। जब गौतम बुद्ध का आश्रम लड़का पहुंच गया तो वहां पर तभी सब ध्यान में बैठे हुए थे। कुछ देर बाद गौतम बुद्ध आसन लिए और उसके बाद बोले कि ठीक है, अब आप लोग सवाल पूछ सकते हैं, लेकिन मेरी एक शर्त है कि एक आदमी का मैं 3 ही सवाल का जवाब दूंगा। लेकिन सोचा, मैं तो अपने बारे में पूछने आया था, रास्ते में मिले वो जिसके यहां मैं रुका था, एक वो जादूगर जो 1000 साल से स्वर्ग में जाना चाहता है, और एक वो कछुआ जो 5 साल से नदी में तैर रहा है, ड्रैगन बनना चाहता है। तो लड़के ने जब तीनों का प्रॉब्लम देखा तो लड़के को लगा यार इन लोगों का पहले जरूरी है पूछना। उन्होंने अपने सवाल को छोड़ दिया। उन्होंने देखा कि आते समय जो उनको मैडम ने बताई थी कि मेरी 20 साल की बेटी बोल नहीं पाई है, उनको सवाल बताते बताते वो रो पड़ी थी। तो उन्होंने अपने बारे में सोचा, यार मैं तो कमा ही रहा हूं और मेहनत करूंगा तो कुछ ना कुछ मेरी जिंदगी में बदलाव हो ही जाएगा, मैं इन तीनों का सवाल को पूछ लेता हूं। लड़के ने गौतम बुद्ध से उन तीनों का सवाल पूछा। वो बेटी उनकी जो बोल नहीं पा रही थी, वो जादूगर जो 1000 साल से पहाड़ पे तपस्या कर रहे थे, स्वर्ग में जाना चाह रहे थे गए नहीं थे, और वो कछुआ जो ड्रैगन बनना चाह रहे थे लेकिन बन नहीं पाए थे। तीनों का सवाल का जवाब उन्होंने दिया। उन्होंने सबसे पहले, गौतम बुद्ध ने सबसे पहले जवाब दिया उस हवेली की मलकायन की। बोले कि उस हवेली में जो लड़की 20 साल से बोल नहीं पाई है, जिस दिन वो बोलेगी, जिस दिन उनका शादी होगा, उसी दिन वो लड़की बोल उठेगी। सो उनसे कहना उनका शादी करा दे तो वो लड़की बोल जाएगी। और वो जो जादूगर है जो 1000 साल से स्वर्ग में जाना चाहता है लेकिन जा नहीं पाया है, वो जादूगर जिस दिन अपना छड़ी छोड़ देगा, ये जादू की छड़ी छोड़ देगा, उसी दिन वो स्वर्ग में चला जाएगा। और रही बात कछुए की, तो कछुए को बोल देना वो अपना कवच उतार के फेंक दे, उसी दिन वो ड्रैगन बन जाएगा। लड़के ने तीनों का सवाल का जवाब ले लिया, प्रणाम कर लिए और वहां से चले आए। आते ही रास्ते में मिला कछुआ, कछुए ने पार कर दिया और कछुए को बोला, भाई जिस दिन तुम ये कवच उतार दोगे ना, तुम्हारी जो ये कवच है, ये कवच उतार दोगे, उसी दिन तुम बन जाओगे ड्रैगन। कछुए ने अपना कवच उतारा, जैसे ही कवच उतारा निकला मोती। कछुए तो ड्रैगन बन गया। कछुए ने बोला, यार ये मोती मैं क्या करूंगा, ये तू लेते जा। बहुत सारे मोती निकल गए। वो मोती लेकर आगे बढ़े। आगे जब बढ़े तो फिर सामने में जो दूसरा आदमी मिला था उनको, वो जादूगर जो 1000 वर्ष से स्वर्ग में जाना चाह रहे थे, जादूगर को बोले, जादूगर जिस दिन आप ये छड़ी छोड़ दोगे उसी दिन आप स्वर्ग में चले जाओगे। जादूगर बोले, मैं कहाँ ये छड़ी किसको देने जाऊं, ये लो छड़ी तुम। छड़ी भी उनको दे दिया, वो स्वर्ग चले गए। अभी क्या हुआ, उनको मोती भी मिल गया और जादू की छड़ी ताकत भी मिल गया। चल के आए उस हवेली की मालकिन के पास, मालकिन से मिले और बोले कि जिस दिन आप अपने बेटी की शादी करा देंगे उसी दिन आपकी बेटी बोल उठेगी। तो उस हवेली की सेठानी ने बोली कि तुमसे अच्छा दुल्हा मैं कहाँ ढूंढूंगा। लड़की को दिखाया, लड़के ने लड़की को देखा, लड़की ने लड़के को देखा, शादी वहीं पर करा दिया। और तुरंत लड़की बोल उठती है कि आप तो वही हो ना जो उस दिन मेरे घर में रात में ठहरे थे। तो दोस्तों, इस कहानी से आपने क्या सीखा? अब लड़के का जिंदगी कितना बदल गया, वो जो समस्या को लेके गया था सॉल्यूशन लेने के लिए, आप देखिए सिर्फ उन्होंने अपने सवाल को छोड़ा और पूरा पूरा समाधान हो गया। लड़के के पास मोती यानी पैसा ही पैसा आ गया, जादू की छड़ी वो ताकत भी आ गया, और अब शादी भी हो गए, परिवार भी हो गए, पैसे आ गए, तो सारी जिंदगी चेंज हो गया दोस्तों, इस वजह से कि उन्होंने अपने सवाल को छोड़ा। नए साल के अंदर में आप सभी को भी बहुत छोड़ने का, जो पीछे जितनी आप गलत धारणाएं लेके चल रहे हैं, पीछे जितनी आप लोगों का कंप्लेंट लेके चल रहे हैं, पीछे जो भी आपने 2019 में किया, दोस्तों 2019 से पहले जितनी भी चीजों को आपने, जो आपको लगा कि ये चीज मैंने सही नहीं किया, उन सभी चीजों को छोड़ दीजिए, अपने गलत आदतों को छोड़ दीजिए और 2020 के अंदर में एक नया स्ट्रेटेजी तैयार कीजिए, एक नया प्लानिंग कीजिए कि कैसे आप भी आगे बढ़ सके। दोस्तों, आप
दूसरों के लिए सोचेंगे तो डेफिनेटली ऊपर वाला आपके लिए सोचेगा। इसीलिए कहता है कर भला होवे भला, जरा करके भलाई देख ले, कर बुरा होवे बुरा, जरा करके बुराई देख ले। दोस्तों आज इस वीडियो से आपको एक चीज सोचना है, पूरा देखने के बाद एक चीज समझना है कि मुझे और के लिए भी बहुत कुछ करना है। इन 2020 नए साल के अंदर में मुझे और के लिए भी बहुत कुछ करना है। आप सभी को लेकर आगे बढ़ने की कोशिश कीजिए, मेरी शुभकामनाएं आप सभी के साथ है। और मैं चाहता हूं कि मैं और आप सब मिलकर इस वीडियो को उन सभी लोगों तक पहुंचाइए जो जिंदगी में परेशान है, वो भी कहीं ना कहीं इस वीडियो से बहुत कुछ सीख पाएगा। दोस्त तो अगर आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, अभी रेड बटन को क्लिक करें और बेल आइकॉन को जरूर दबाएं ताकि अगला जो भी इंफॉर्मेशन है, बहुत सारे चीजों को लेकर हर इंफॉर्मेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। आपका वीडियो देखने के लिए लाख लाख शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू, गुड डे, बाय बाय।